قوالی کے سامعین حضرات کی خدمت میں سپر کیسٹ انڈسٹریز کی سیریز پیش کر رہے ہیں تسلیم عارف اور ان کے ہمنواؤں کی آواز میں ٹرک ڈرائیور بھائیوں کی خدمت میں ایک اور حسین آئٹم۔ سامعین، اس کا عنوان ہے ٹرک بازی۔ ٹرک ڈرائیور بھائیوں کو کون کون سی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا فائدے ہیں، یہ آپ اس نظم میں سنیں گے۔ مصنف ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب شوق وزیر گنجوی، اور میوزک کے فرائض انجام دے رہے ہیں آلوین جی۔ حضرات، تسلیم عارف کا یہ نذرانہ ٹرک ڈرائیور بھائیوں کی خدمت میں پیش ہے، سماعت کیجئے، قطع ملاحظہ فرمائیں۔ اے حسن و الغرور تجھے آخری سلام، اے حسن و غرور تجھے آخری سلام، ایک بار پھر ملیں گے اگر زندگی رہی۔ ایک بار پھر ملیں گے اگر زندگی رہی، لیکن دوسرا شعر سماعت کیجئے گا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ ڈاکٹر بشیر بدر کہتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ مگر مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ اس لیے کہنا ہے ٹرک بازی بتائے آپ کو یہ ماجرا کیا ہے، ٹرک بازی بتائے آپ کو یہ ماجرا کیا ہے، پریشانی ہے اس میں کون سی اور فائدہ کیا ہے، پریشانی ہے اس میں کون سی اور فائدہ کیا ہے، پریشانی ہے اس میں کون سی اور فائدہ کیا ہے، پریشانی ہے اس میں کون سی اور فائدہ کیا ہے، پریشانی ہے اس میں کون سی اور فائدہ کیا ہے۔ پہلا بند، پہلے فائدے دیکھیے کون کون سے ہو رہے ہیں ٹرک ڈرائیوری کرنے کے بعد۔ ٹرک کے ساتھ رہ کر یہ پریشانی اٹھائی ہے، نہ تکیا ہے نہ بستر ہے نہ کوئی چارپائی ہے، مگر ہاں فائدہ یہ ہے ٹرک پر جو بھی چلتے ہیں انہیں بے دام پیسہ دیکھنے کو شہر ملتے ہیں، کبھی منظر علی گڑھ کا، کبھی تفریح دہلی کی، کبھی جا آگرہ دیکھا، کبھی گلیاں بریلی کی، بدائیوں میں کبھی چھوٹے بڑے سرکار میں پہنچے، سکون دل کو ملا ولیوں کے جو دربار میں پہنچے، کبھی گنگا کبھی جمنا، کبھی دیکھی ندی کالی، کبھی منظر پہاڑوں کا، کبھی کھیتوں کی ہریالی،
कभी देखा किला अकबर का रोजा ताज बीबी का, कभी देखा फिरोजाबाद जाकर काम चूड़ी का, कभी देखा किला दिल्ली का जो ठहरे वहां जाकर, कभी महरौली में देखा कुतुब की लाट का मंजर, कभी देखा नजारा शाहजहां की जामा मस्जिद का, कभी देखा निजामुद्दीन के रोजे का नजारा, कभी पंजाब और कश्मीर की ठंडी हवा खाई, कभी जाकर तबीयत जोधपुर जयपुर में बहलाई, कभी देखा गया अजमेर में दरबार ख्वाजा का, 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 जहाँ है फैज जारी रात दिन सरकार ख्वाजा का, जहाँ है फैज जारी रात दिन सरकार ख्वाजा का, जहाँ है फैज जारी रात दिन सरकार ख्वाजा का, जहाँ है फैज जारी रात दिन सरकार ख्वाजा का। फायदे ही फायदे हैं ड्राइवरी में, वैसे तो हर जगह फ्री में देखने को मिल रही है, लेकिन आगे आप नुकसान भी सुनेंगे इसमें, कौन कौन से नुकसान है, लीजिए थोड़े से फायदे और पेश कर रहा हूँ, समझ लीजिए। कभी लेने गए व्यापारियों को बीड़ी का पत्ता, समंदर के किनारे जाके देखा शहर कलकत्ता, नए माहौल में पहुंचे तो हर एक शह नई देखी, बड़ौदा अहमदाबाद और सूरत बम्बई देखी, जो नैनीताल पहुंचे तो पहाड़ों की फिजा देखी, गरज हर शहर की तफरीह की आबो हवा देखी, ये सब कुछ है मगर फिर भी कोई राहत नहीं मिलती, उदासी छाई रहती है कली दिल की नहीं खिलती, गमो फुरकत की दिल में हर घड़ी तासीर रहती है, नजर में हर घड़ी घर वालों की तस्वीर रहती है, किसी की याद कांटा बन के जब दिल में खटकती है तो लगता है कि जैसे जान सूली पर लटकती है, मयसर वक्त पर अच्छी तरह खाना नहीं होता, महीनों इस तिरकबाजी में घर जाना नहीं होता, बनाया होगा घर बीबी ने हलवा चख नहीं सकते, चख नहीं सकते, परेशान है तिरक के साथ बीवी रख नहीं सकते, परेशान है तिरक के साथ बीवी रख नहीं सकते, परेशान है तिरक के साथ बीवी रख नहीं सकते, परेशान है से परेशानियों का दौर शुरू होता है, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं इस काम को करने के बाद ये आप सुन ही रहे हैं, लीजिए कुछ और परेशानियां पेश कर रहा हूं ट्रक ड्राइवर भाइयों की, बगौर समाज फरमाए। मैं सर वक्त पर
अच्छी तरह खाना नहीं होता, महीनों इस तिरकबाजी में घर जाना नहीं होता। बनाया होगा घर बीवी ने हलवा चख नहीं सकते, परेशान है टिरक के साथ बीवी रख नहीं सकते। ड्राइवर एक है फारूक कसवा सैदपुर वाले, ये सब उन पर भी गुजरी है कोई मालूम कर देखे। इधर घर वाले रास्ता देखते हैं घर नहीं आए, उधर ये फिक्र के हमको कहीं का लोड मिल जाए। यूं ही आवारा गर्दी में तिरक पर दिन गुजरते हैं, अजीजो आशना मेहमान मिलने को तरसते हैं। भरी है नींद आंखों में मगर हम सो नहीं सकते, भरी है नींद आंखों में मगर हम सो नहीं सकते, भरी है नींद आंखों में मगर हम सो नहीं सकते, भरी है नींद आंखों में मगर हम सो नहीं सकते। और किराया मिल गया दिल्ली का उसको हो नहीं सकते, मगर हम सो नहीं सकते। किराया मिल गया दिल्ली का उसको खो नहीं सकते, लेकिन तिरक वालों का कुछ माहौल भी अच्छा नहीं होता, सला तो सोम का उन लोगों में चर्चा नहीं होता। बेचारे कभी कहीं हैं कभी कहीं हैं, ना नमाज के ना रोजे के, यूं ही आवारा गर्दी में फिर रहे हैं। लेकिन इकट्ठे होते हैं तो मैं कशी का दौर चलता है, शरीफ इंसान दिल में हर घड़ी घुटता है जलता है। हुआ गाड़ी में पिंचर रात है मौका है जंगल का, लगी है भूख पैसे है नहीं ना नाम होटल का। किछे के बन में फंस जाएं तो फिर खतरा है शेरों का, भरा है माल गाड़ी में लगा है डर लुटेरों का। कलेजा कांपता रहता है एक्सीडेंट के डर से, कलेजा कांपता रहता है एक्सीडेंट के डर से, कलेजा कांपता रहता है एक्सीडेंट के डर से, कलेजा कांपता रहता है एक्सीडेंट के डर से। और चलाना पड़ती है गाड़ी कफन बांधे हुए सर से, कीजिएगा जनाब। शौक साहब क्या कह रहे हैं आखिर में, कुछ परेशानियां और बता रहे हैं अपने भाइयों को, समाज कीजिएगा। कलेजा कांपता रहता है एक्सीडेंट के डर से, चलाना पड़ती है गाड़ी कफन बांधे हुए सर से,
ड्राइवर जो भी होता है प्राइवेट गाड़ी का, समझता है गुलाम अपना उसे थाने का दरोगा। पुलिस वाला इशारा करके गाड़ी रोक लेता है, तिरक वाले को तो चौकीदार अक्सर डांट देता है। पुलिस वाला इशारा करके गाड़ी रोक लेता है, तिरक वाले को चौकीदार भी तो डांट देता है। मगर माहौल है ये मुख्तलिफ सारे जमाने से, के मिल पाते नहीं हम वक्त पर अपने बेगाने से। बुरा माने न कोई, अपने अपने दिल का सौदा है। मुबारक हो सभी को, हमने तो ये काम छोड़ा है। हसब फरमाइश सुनना एल्फा ये नज्म लिखी है, वही लिखा है मैंने जो हकीकत मुझ पे गुजरी है। नहीं है शौक सोना खाना पीना अपनी मर्जी पर, नहीं है शौक सोना खाना पीना अपनी मर्जी पर, नहीं है शौक सोना खाना पीना अपनी मर्जी पर, नहीं है शौक सोना खाना पीना अपनी मर्जी पर। तिरक पर जागना पड़ता है अक्सर चाय पीकर।